Thank you. Thanks. थोड़ा सा हौजपौज हो गया गाइज, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ये एंट्री है रूम की एंड वो भी कीज दे रही थी, तो इनको एक बैलून बाहर आते हुए दिख गया और मुझे लगा अरे हो गया ये तो काम। बट लेट्स सी हिज रिएक्शन। दिस इज़ द लिविंग एरिया जहाँ हम लोग पार्टी करने वाले हैं आज। फ्रेंड्स आ रहे हैं अभी और ये है मेन रूम जिसमें हम इनको लेकर जाएंगे। चलिए, आंखों पे पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बैलून उड़ता हुआ आ ही गया खुद ही। सो यू नो द ड्रिल। मस्त है। थैंक यू। सो बेचारों ने इतनी मेहनत करके बनाया है ये। This is happy anniversary. This is for you. वो मैंने देखा था उसको लाते हुए। देखा? मुझे नहीं पता था हमारे लिए। अच्छा, रिसेप्शन पे देखा था? ये नहीं पता था कि हमारे रूम के लिए। ले लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। थैंक यू। सो कुछ इस तरीके से ये रूम दिखता है गाइज। दिस इज द बेडरूम, आई मीन जो स्लीपिंग एरिया है, और ये इतना ब्यूटीफुली उन्होंने सजाया हुआ है। आर यू हैप्पी फॉर द सरप्राइज? मैंने इनको कुछ कुछ बोल के ना ऐसी बोल के कि मैंने इनको ये बोला था वो बोला था और इन्होंने करा, क्योंकि इनको शक हो गया था लास्ट मोमेंट पे कि इतनी देर हो गई, चेक इन में तो इतना टाइम नहीं लगता, तो इतना टाइम कैसे लग रहा है। सो बस मतलब थोड़ा सा पोपट होते होते बच गया। एंड दिस इज द वॉशरूम गाइज, दिस इज द वॉशरूम, दिस इज मी। तो आप लोगों को जैसे पता चला, और ये ऐसे करे जा रहे क्या हो रहा है, मतलब इनको तो मतलब ये गुस्सा भी आ रहा था कि 2 बजे तो चेक इन हो जाना चाहिए और मैं मेरे अंदर, तो मेरे को तो पता है ना मैं क्यों लेट हो रहा है। और फिर जल्दी जल्दी आज ही मैंने सुबह कॉल करके ये सारी चीज़ें करवाई थी इनके लिए सरप्राइज यहाँ पे, क्योंकि हमने कल रात को ही फाइनल किया है यहाँ पे, तो मैं कल को नहीं बोल कल तो रात को मैं नहीं बोल पाई थी। आज मैंने बोल के ये कंफर्म मतलब कंफर्मेशन दिया था कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो हमने यहाँ पे डेकोरेशंस वगैरह करवाई। दिस इज द वॉशरूम। This is the whole vibe of the room. कैसा लगा आपको surprise? देखो बहुत अच्छा, मैं बहुत happy हूँ। देखो मजा आ रहा है। और अभी तो शुरुआत है। So हमारे जो friends आ रहे हैं शैली कुशाग्र, उनका room ये है। अरे ये connected room है। सो दिस इज़ अ पैडेड डोर, दिस इज़ अनदर पैडेड डोर, यहाँ से हम खोलेंगे, यहाँ से वो खोलेंगे, तो ये इंटरकनेक्शन खुल जाएगा और इस तरीके से उनका रूम आ जाएगा। सो ये मैंने उनके लिए एक और चीज़ मंगाई थी, ये एक कार्ड और केक, जो कि उनको अभी नहीं पता है, तो अभी उनको बुलाते हैं। कुछ आया है मेरे लिए, कुछ आया है क्या? हाँ।
दिस इज फ्रेशली बेक, उन्होंने टाइम लगाया है प्रॉपर और बनाया है। ये तो मेरा फेवरेट बटरस्कॉच जैसा दिख रहा है। हाँ, ये फेवरेट आपका आपका फेवरेट तो बनता था ना। वाओ, थैंक यू। वेल, थैंक यू। सो हम थोड़ा सा कर लेते हैं शर्म। एक्चुअली फ्रेंड्स अभी तक आए नहीं है, मेरे को बस सरप्राइज रखना था इनके लिए, तो उनके आने के बाद केक कट करते हैं। ये लग गए। हाउज इट? ऊपर चॉकलेट, अंदर kind of caramel, मस्त है। खा के उसको। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. नहीं लगा ले दिया यार। अरे लो। आऊं कौन? भाई केक टेस्ट किया। अरे फिल्म क्लिक करनी है। कौन है वाला? क्लिक तो कर देगा। हेलो, स्वाद है। बट क्रीम है। एक लुक। जू। मीठा केक है। वेरी गुड। सो गाइस, ये है यहाँ पे बालकनी जो मैं दिखाना भूल गई थी। अभी हम लोग शाम के टाइम यहाँ पे बैठेंगे। सो अभी पूरे रूम टूर में यही बच रही थी, और यहाँ बाहर इनका ये लॉन है पूरा। सो अभी ये यहाँ पे आने वाले हैं हम पूल में। कहाँ नहाना है भाई? नहीं, पहले शावर लेके फिर आना पड़ेगा, वो तो बाद में होता नहीं, है। नहीं, हम लोग तो सीधा जा रहे हैं। चलो गाइस कूदो। ये वो बालकनी है जो मैंने आप लोगों को अंदर से दिखाई थी, स्टेयर्स। यहाँ से भी हम लोग एंट्री कर आप गाइस, मैंने तुम लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोला है। यस, राजमा की टिक्की। स्वीट कॉर्न सूप। ओके, सब अलग अलग ट्राई कर रहे हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग? टोमेटो शोरबा, व्हाइट सॉस पास्ता, माय फेवरेट।
पाते। Jizu, what are you having? Orange juice. आज यहाँ लग रहा है किसी की पहली रसोई थी, क्योंकि सूजी का हलवा बना हुआ है भाई। सूजी का हलवा मतलब किसकी पहली रसोई थी आज यहाँ पे? सूजी का हलवा क्यों नहीं खाया है वो आपने? और ताकि लिफाफा ना देना पड़े, ताकि लिफाफा ना देना पड़े। शेली, हाउ वाज द स्टे? वेरी गुड। अच्छा, गर्मी। हम टूटो के लिए बैलून लाए हैं। बाय।